जब्त हो गया अरविंद केजरीवाल की पत्नी का फोन, निकल गया सारा डाटा। देखिए ईडी ने कोर्ट के सामने क्या पेश किया। ईडी ने कहा केजरीवाल नहीं कर रहे हैं जांच में सहयोग, नहीं बता रहे हैं मोबाइल फोन का पासवर्ड। कोर्ट में पेश होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की देश के सामने एक झूठी तस्वीर पेश की जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक बार फिर ईडी रिमांड पर भेज दिया है। केजरीवाल को अब 1 अप्रैल तक ईडी दफ्तर में जांच एजेंसियों के सवालों का सामना करना पड़ेगा। गुरुवार को कोर्ट में रिमांड अर्जी पर सुनवाई के दौरान कई अहम बातें दोनों पक्षों की तरफ से रखी गई। ईडी की ओर से कोर्ट के सामने रखे गए तथ्यों में यह सामने आया कि जांच एजेंसी ने उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का फोन जब्त कर लिया है। ईडी ने केजरीवाल की रिमांड बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि अभी कुछ और आरोपियों से उनका आमना सामना कराना है। जांच एजेंसियों ने यह भी आरोप लगाया कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। कहा गया कि वो अपने फोन का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं। ईडी ने कहा कि एक मोबाइल यानी गिरफ्तार किए गए शख्स की पत्नी फोन का डेटा निकाला जा रहा है और इसका विश्लेषण किया जा रहा है। हालांकि 4 अन्य डिजिटल डिवाइस जो गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों से जुड़े हैं उसका डेटा निकाला जाना बाकी है। वो अपना पासवर्ड और लॉगिन डिटेल्स के बारे में वकील से बात करना चाहते हैं। गौरतलब है कि 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने से पहले ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पर छापा किया था और कोर्ट ने उनके घर में कुछ डिजिटल डिवाइस और दस्तावेज बरामद किए थे। केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अदालत में सुनवाई के दौरान कुछ दलीलें दी और कहा कि देश के सामने आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट होने की झूठी तस्वीर पेश की जा रही है। उन्होंने यह दलील तब दी जब ईडी ने उन्हें स्पेशल कावरी बवेजा की अदालत में पेश किया। ईडी ने केजरीवाल की और 7 दिन की हिरासत का अनुरोध करते हुए कहा कि मामले से जुड़े कुछ लोगों से उनका आमना सामना कराने की जरूरत है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला कुछ देर के लिए सुरक्षित रख लिया। बाद में अदालत ने उनकी रिमांड को 1 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला सुनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेटी न्यूज़।